तो कैसे हैं आप लोग? वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स पबजी मोबाइल कौन से सीजन से खेल रहे हैं। मैं सीजन 2 की प्लेयर हूँ। आप कमेंट में बताइए, आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक हार्ट और सीरियसली मिलेगा। अच्छा, अगर आप एक ओल्ड प्लेयर हो, मान लो 2018 वाले प्लेयर हो आप, जहाँ पर आपको जोम्बी मोड देखने को मिलता था और वो फीलिंग तो वापस नहीं आएगी, बट वो ईरा वापस से आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा जी, अगर आपको जोम्बीज मोड खेलना है अभी की अभी, तो आपको सिंपली डाउनलोड करना है मेट्रो रॉयल। मेट्रो रॉयल 21 चैप्टर अभी जो फिलहाल है वो जोम्बीज मोड से रिलेटेड है। तो सिंपल तरीके से मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन नहीं हुई है। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है, या आप छुपा हुआ है पबजी मोबाइल में ही, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर के वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। यहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं मेट्रो रॉयल में, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अगर आपके पास ये वीडियो आया है ना तो स्किप मत करना, बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। मेट्रो रॉयल में क्या होता है, आपको गन खुद लेके जानी है, बैग खुद लेके जाना है, हेल्थ किट खुद लेके जानी है, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है इन्वेंट्री में। अब ये सब चीजें आपको मिलेगी कहाँ से? इसके लिए आपको चाहिए मेट्रो कैश, जो कि जैसे जैसे आप खेलोगे ना मैच, वैसे वैसे आपको मेट्रो कैश भी मिलेगा। उस कैश से आपको गन्स परचेस करनी है, हेल्थ किट परचेस करनी है, मेडकिट परचेस करनी है, और भी बहुत सारे। इसके अंदर टैलेंट होता है, टैलेंट में ना अलग अलग चीज़ें हैं। स्कोपिंग का फास्ट हो जाता है, स्पीड भागने की स्पीड फास्ट हो जाती है, जो गन आप चला रहे हो ये फास्ट हो जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेट्रो रॉयल में। तो सिंपल तरीके से आपको इन्वेंट्री में आकर के यहाँ पर आप जो है विड्रॉ भी कर सकते हो। मान लो आप गए मेट्रो रॉयल में और आपने बहुत सारी लूट करी वहाँ से, बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ना ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको गन वगैरह ले करके इकट्ठी कर लेनी है, बैग में डाल लेना है और मेट्रो रॉयल स्टार्ट कर देना है। फिर आप जब गेम में जाओगे ना तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करोगे, क्रेट्स ओपन करोगे, बहुत सारी लूट करोगे और बिना मरे हुए वहां से एग्जिट होके आपको आना है। और जब वापस से रिटर्न आओगे ना तो आप इस सारी चीजों को सेल भी करोगे। तो जो चीजें आपके काम की नहीं है वो आप यहां से सेल कर दोगे। डिटेल में किस तरह से सेल करना है, किस तरह से परचेस करना है, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी ना, आप वो दोनों वीडियो याद से देखना तो आपको ये आराम से समझ में आएगा। तो देखो देखो आपके डिपेंड के ऊपर है। देखो यहां पर आप लूट बॉक्स मिल जाएगा जब आप गेम स्टार्ट करोगे ना, तो लूट बॉक्स में अगर आप चीजें डाल दोगे तो मान लो मर जाओगे ना तो लूट बॉक्स वाली चीजें ला सकते हो। लेकिन अगर आपने लूट बॉक्स में नहीं डाला ना चीजें, तो आप जो मर गए ना तो वो सब कुछ एनिमी ले लेगा, आपके पास जीरो चीजें आने वाली हो, आ जाओगे लॉबी में। अब यहाँ पर इन्वेंट्री का कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, जिस उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री में चीज़ें रखनी है। अगर आपने कोई गन यूज़ नहीं करनी तो उसको आपको सेल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सेल कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इसको आप गिफ्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी है। ब्लैक मार्केट एक अलग चीज़ है। ब्लैक मार्केट में क्या होता है कि आप कोई भी गन को ना यहाँ पर सेल और परचेस कर सकते हो। ब्लैक मार्केट के लिए आपके पास ज़रूरी है मेट्रो कैश होना। यहाँ पर ये वाली M4 की गन 24,000 में मिल रही है, ठीक है? तो आपके पास अगर 24,000 कैश होगा मेट्रो कैश, तो आप यहां से आके परचेस कर सकते हो। लेजेंडरी है, ग्रोजा है, यहां पर आप देखोगे ना एक ही गन तीन या चार है, मतलब ये कि उसकी जो है समटाइम्स एमओ बढ़ा दे रहे हैं और उसकी जो है स्पीड जो है बढ़ जा रही है और उसका जो है फायर रेट बढ़ जाएगा। तो उस तरह से गन्स अपग्रेड होती है, बैग अपग्रेड होता है और आपकी बहुत सारी चीजें ना गन्स वगैरह अपग्रेड होती रहती है इसके ऊपर, तो उस हिसाब से आपको चलना है। अब आपको कोई एक अच्छी सी गन, जैसे MK14 हो गई, ये काफी अच्छी गन है, अगर आपको यही वाली गन चाहिए तो इसको ही अपग्रेड करते रहो, तो आपके पास टैलेंट पॉइंट भी होगा। यहां पर आपको मिस्ट्री शॉप्स भी मिल जाएगी जिसके अंदर आप लकीली कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हो, कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा, रिफ्रेश कर सकते हो, फ्री हॉट आइटम्स मिल जाएगा। अगर आप रिफ्रेश करोगे ना तो यहाँ पर आपको देखो नए नए डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, ये देखो ये वाली M4 अलग अलग लेवल्स की हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको मिस्ट्री शॉप रिफ्रेश वाला भी मिल जाएगा, अगर आप जो है यहाँ पर आकर के इन लोगों को गिफ्ट दोगे तो ये लेवल अप आपका बढ़ाते रहेंगे। ये मिस्ट्री बॉक्स में आपको लकीली कोई भी गन मिल जाएगी, आउटफिट मिल जाएगा, बैकपैक मिल जाएगा। ऐसे वर्क स्टेशन में यहाँ पर आपको कुछ मिशंस दिए गए हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो मिशंस भी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो हर एक गन की अलग अलग है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिसमेंटल ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा, ये वाली क्रेट, इसके अंदर आपको स्पेशल मेट्रो कैश मिलते हैं गाइस। ये वाले मेट्रो कैश जो है ना बहुत ज्यादा होते हैं, 2.5 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं, तो इसको मिस मत करना। मैंने आपको रिसेंटली स्टोरी में बताया था मुझे भी 5 लाख यहाँ से मिला है, 2.5 लाख मिला है, तो आपको डेली यहाँ पर आपको डिसमेंटल करना है। ये आप डिसमेंटल भी कर सकते हो, 20 घंटे का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप जाकर के ना मेरा शॉर्ट्स चेक करना एक बार, क्रेट बनी होगी किसी शॉर्ट्स पर, आपको बस ओपन करा। देखो यहाँ पर अगर आपके पास ये रहेगा ना तो 5-5 घंटा आपका माइनस हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाला वाउचर है तो ये देखिए 5 घंटा माइनस हो गया, और ये एक ही दिन में, एक ही टाइम में आप ये पूरा घंटा माइनस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आओगे ना हॉट आइटम्स में, अगर आप इसको परचेस करते हो स्पीड बूस्टर, तो यहाँ से 3 आप परचेस कर सकते हो। अगर आपने रॉयल पास परचेस कर रखा है तो आपको यहाँ पर भी फ्री में मिल जाएगा। तो ये 4 हो गया, ये 4 लेके जाना है वापस रिटर्न वहाँ पर, और आपको ये भी लॉक क्रेट भी आप परचेस कर सकते हो यहाँ से 50,000 में, तो 50,000, 60, 70, और यहाँ से भी वो लॉक क्रेट मिल जाएगी। तो ये लॉक क्रेट अगर मान लो आपने 50,000 में परचेस कर ली मिला करके सब कुछ, तो अभी आपको इसमें से 2.5 लाख
लाख मिल जाता है, तो समझ रहे हो, तो 50,000 लगा करके 2.5 लाख आप रख लो। तो ये हो गया आपका वर्क स्टेशन वाला। अब आपको जैसे यहाँ पर देखो, बाकी बहुत सारी गन्स आपने अपने पास रख ली है, अब आप गेम में जाओगे, गेम में बहुत सारी लूट करोगे, बच बचा करके, ज़ॉम्बीज़ से बच करके, वहां पर रियल प्लेयर्स होंगे उनसे बच करके, बहुत सारी क्रेट लूट करके, सोना लूट करके, बहुत सारी चीजें आपको रिटर्न लानी है। तो वहां पर आपका एक एग्जिट पॉइंट होगा जहां से आपको एग्जिट होना है, ये एग्जिट पॉइंट से आप रिटर्न हो सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इस वाले एग्जिट पॉइंट को और जल्दी एग्जिट कर सकते हो यहां से। ये देखिए, अब ये सारी चीजों को हम सेल करेंगे और उसकी कीमत बनाएंगे, मेट्रो कैश बनाएंगे, फिर अपनी गन को अपग्रेड करेंगे, फिर ऐसे ऐसे अपग्रेड करते जाएंगे। यहां पर एक्सपी रिवॉर्ड भी आपको डेली बनने और ऑनर ऑब्टेन आपको 2x मिल रहा है ये वाले ज़ॉम्बी मोड में। अगर आप ज़ॉम्बी मोड खेलोगे ना तो फर्स्ट देखिए आपको 2x मिलेगा ऑनर पॉइंट्स, तो इस बार जो है ऑनर पॉइंट्स डबल मिल रहा है, 2x मिल रहा है। और अगर आप ज़ॉम्बी खेलोगे तो आपको 8x मिल रहा है, बहुत सारे। रिसेंटली मैंने गेम खेला है, किस तरह से खेलना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन से 2 या 3 वीडियो होगी मेट्रो रॉयल से रिलेटेड। अभी तक के YouTube पर उर्दू में या हिंदी में बहुत कम वीडियो है जो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे। अच्छा, वर्क स्टेशन पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो एक तो आपको ये वाली लूट क्रेट मिल गई, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्पेशल ट्रेड्स करके मिल रहा है। लेकिन ये स्पेशल ट्रेड्स क्या है, यहाँ पर आपको ना जब ये वाली क्रेट में जाओगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा, जो गन है ना उसको आप और अपग्रेड कर सकते हो, ग्रोजा में और फायरिंग रेट आप बढ़ा सकते हो, या किल का इफेक्ट्स जो है, जो भी आप बंदे को किल करते हो तो वो फायरिंग रेट जो है वो सब बढ़ जाता है। तो ये जो है आपका स्पेशल ट्रेड्स मिल जाएगा। अगर आप रिटर्निंग में आते हो ना तो चाहे ज़ॉम्बीज़ को किल कर रहे हो उससे आपका एक्स्ट्रा फटाफट हो जाता है सारी चीजें, कहने का मतलब ये। तो यहाँ पर फिलहाल ये तभी अनलॉक होगा जब आप ज़ॉम्बी मोड खेलोगे। ज़ॉम्बी मोड खेलने के लिए बेसिकली आपका लेवल अप होना चाहिए, अगर आपका लेवल 8 होगा तभी आप एडवांस मोड खेल सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये जो ज़ॉम्बीज मोड होते हैं ना, जो अभी 21 चैप्टर का जो मेन थीम है ज़ॉम्बी मोड, उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ये सारी चीजें अगर आप ये सेल करोगे ना तो आपको बहुत वैसे बोनस। मेट्रो रॉयल का जो मेन चीज है ना, मेट्रो रॉयल की, वहां पर आपको जाना है और वहां से आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी है, चोरी करनी है, चोरी कह सकते हो उसको, या फिर आपको इकट्ठा करनी है, बहुत सारी लूट करनी है। वहां पर बॉसेस आपको देखने को मिल जाएंगे ज़ॉम्बीज के, रात नाइट मोड भी हो जाएगा। मैंने ज़ॉम्बी मोड अभी रिसेंटली 2 दिन पहले खेला, आपने देखा होगा बहुत मजे का था, एकदम वाइब दे रहा था ओल्ड इरेंगल की, उस हिसाब से यहाँ पर आप देखो। तो ये जो है जैसे जैसे आप ज़ॉम्बीज मोड खेलोगे, वहाँ से सारी चीज़ें लेकर आओगे रिटर्न होकर के, तब वैसे वैसे आपका ज़्यादा लेवल अप होने वाला है। मतलब अगर आप ज़ॉम्बी मोड खेलोगे ना तो आपका जल्दी जल्दी हर जगह लेवल अप बढ़ेगा, ये स्पेशल ट्रेड्स में भी बढ़ेगा, आपका टैलेंट पॉइंट में भी बढ़ जाएगा, प्लस जो आप गिफ्ट देते हो ना, जो आपके 3 कैरेक्टर है उसके अंदर, उनका भी लेवल अप बढ़ते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मेट्रो रॉयल से रिलेटेड, 4-5 वीडियोज़ है, डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आप 1-2 मैचेस मेरे साथ खेलना चाहते हो, अपनी इन गेम कैरेक्टर आईडी भी लिख दी, तो मैं किसी भी रैंडम बंदे को इन गेम रिक्वेस्ट भेजूंगी और उसके साथ मेट्रो रॉयल खेलूंगी। बेसिकली बहुत कम ऐसे मेट्रो रॉयल में फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, लेकिन ज्यादा मजा फ्रेंड्स के साथ ही आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ खेलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। कोई भी डाउट होना मेट्रो रॉयल से रिलेटेड, बस आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पिक करूंगी और आपको रिप्लाई कर दूंगी। यही था, इस वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।